बलिया के छितौनी में जब सुरक्षा समिति की अगर बात होती है तो यहाँ एक तालाब भी अपने आप में एक मशहूर माना जाता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से मछलियों का ये किस तरह से खेलिया कर रही हैं और यहाँ पर लोग मछलियों को कैसे लाके, ये बाहरी मछलियाँ हैं और इन मछलियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग, बाबा ये इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत है और आपके मंच पर हम आए हैं। क्या ये मछलियों का क्या उद्देश्य और आप स्वच्छता समिति से भी जुड़े हैं? हम स्वच्छता समिति के जुड़े हुए हैं, ये हैं और ये मछलियों को जो है हमारे जो है ये तिवारी के जो है कौशल मिश्रा हैं वो बाहर से बीज मंगाए और जो है इन मछलियों को जो है उन्होंने छोड़ा और जो है आज ये जो है मछलियों को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और जो है दाना खिलाते हैं। और हम लोगों का तो हर रविवार को जो है स्वच्छता अभियान जो है अनवरत चलता है और कभी भी चाहे जाड़ा हो या गर्मी भी हो या किसी भी रविवार जो है ऐसा नहीं हो जो कि स्वच्छता के सदस्य न आए हों और झाड़ू न चला हो। आपसे स्वच्छता समिति के अध्यक्ष और इनसे जब बात की गई तो आपने सुना कि स्वच्छता समिति का उद्देश्य क्या रहा है और अभियान इनका क्या रहेगा। नरेंद्र मिश्र, इंडिया न्यूज़, बलिया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणा पर यहाँ के लोगों ने सफाई अभियान छेड़ा था। उस समय 3 से 4 लोगों की संख्या थी लेकिन आज की अगर बात करें तो 300 से ऊपर सैकड़ों की संख्या हो गई है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपकी समिति का वो उद्देश्य रहा और कब से शुरुआत हुई? जी, हमारी समिति श्री चितेश्वरनाथ सेवा स्वच्छता समिति छितौनी बलिया उत्तर प्रदेश, जिसका गठन हम लोगों ने 26 मार्च 2016 को किया था और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित और महात्मा गांधी की स्वच्छता की सोच को साकार करने के लिए, चूँकि यह इलाका काफ़ी समझिए कि इस प्रकार से स्वच्छता के मामले में बहुत पीछे था तो और पर्यटक के रूप में यह विख्यात भी है तो दूर दराज से आने वाले लोगों किसी प्रकार कोई तकलीफ़ न हो, यहाँ स्वच्छता उन्हें बराबर मिलती रहे, तो हम लोगों ने इस समिति का गठन किया जो अनवरत अब तक चल रही है बिना रुके एक भी दिन। और ये समिति के कार्यों का ही परिणाम है कि यहाँ व्यापक पैमाने पर समाजसेवियों ने आकर के विकास के कार्यों को भी अंजाम देना शुरू किया। अगर बात करें आपके आगे के जो स्वच्छता समिति चल रही है, आगे भी अभी कहाँ कहाँ जाने का आप लोगों का उद्देश्य? देखिए, हमारी समिति सबसे पहले तो कार्यों से प्रभावित होकर के छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2017 में हम लोग को बुला करके वहाँ सम्मानित करने का काम किया। आदरणीय धर्मेंद्र जी भी गए थे, उनको समिति ने आमंत्रित किया था और उनको केरला में सम्मानित करने का काम हुआ और वहाँ भी हमारी समिति ने जाकर स्वच्छता अभियान किया। ब्रह्मपुर बक्सर में जाकर के हमारी समिति ने वहाँ स्वच्छता संदेश देने का काम किया और भविष्य में यह योजना है हमारी कि हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस, और जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और आदरणीय योगी जी के का जो गृह जो मठ है गोरखपुर, वहाँ भी जा करके हम लोग स्वच्छता अभियान का संदेश देना चाहते हैं और भविष्य में निश्चित रूप से जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का माहौल शायद कम ही दिखाई देता है। आप हमारे साथ और लोग भी देख रहे हैं जैसे कि लोग दिखाई दे रहे हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आपकी स्वच्छता समिति का वो शुरू हुआ और आगे क्या उद्देश्य है? मेरा स्वच्छता समिति का कार्य 2016 26 मार्च से स्टार्ट हुआ और आगे आने वाले दिन अनंत समय तक चलता रहेगा। स्वच्छ सुंदर चित्र निभाने का काम करते रहे हम लेंगे। स्वच्छता समिति की अगर बात करें तो लगातार इस तरह का शायद ही कहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर बात करें तो कहीं भी झाड़ू लेकर के भी चलने वाले। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कब से आप यहाँ पे हैं? जी, निरंतर हम लोग 6 वर्ष पूरा होने वाला है और प्रतिदिन जो है एक सोच रहती है कि रविवार को जाना है और 5 बजे से 7 बजे तक स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना है। और मैं समझता